साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉक में। आज हम द साइंस टॉक में अपनी पैट सीरीज में एक नया वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इसमें टोटल 45 क्वेश्चन है और टोटली जो यूपी ट्रिपलएससी का सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग इसको मैंने बनाया है। ठीक है, आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अंकुरवाट कहाँ पर है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। तो अंकुरवाट जो है वो विश्व के सबसे बड़ा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जो कि कहाँ हमारा है, कंबोडिया में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ए ईंट, बी बांस, सी पत्थर, डी लकड़ी। आपको इस बारे में विदित होगा जो सिंधु सभ्यता के घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, और उसमें ग्रिड प्रणाली वगैरह भी होती थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए श्रावस्ती, बी वैशाली, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। तो जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना अंतिम वर्षा ऋतु वो कुशीनगर में बिताया था जहां पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? ए चेदी, बी कदंब, सी हर्यक, डी कलिंग। तो जो कलिंग नरेश खारवेल थे वो आपका चेदी वंश से संबंधित थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बालोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी दौलत खा लोदी, डी सिकंदर लोदी। तो जो लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी, जो कि आपका बाबर के साथ पानीपत के युद्ध में हार गया था। ठीक है, और अगर पूछता कि आगरा की स्थापना किसने की तो आप बोलते सिकंदर लोदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी सिराजुद्दौला, डी इनमें से कोई नहीं। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में उसे बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और अंग्रेजों की तरफ से जो गवर्नर था वो लड़ाई के लिए वहां पर क्लाइव था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी हेनरी विवियन डोरेजियो, सी डेविड हेयर। तो जो आपके हेनरी विवियन डोरेजियो थे वही आपके यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी घटना झारखंड में घटित हुई थी? ए भील विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी रंपा विद्रोह, डी संथाल विद्रोह। तो इसमें जो कोल विद्रोह है वो आज के झारखंड में घटित हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ए मणिकर्णिका, बी तनु, सी जया, डी लक्ष्मी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो आपका था मणिकर्णिका, जिसमें मूवी बनी थी आपने देखा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की शुरुआत किया? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जेबी कृपलानी। तो इसमें जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने भारतीय होम रूल लीग की स्टार्ट किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? ए मोर, बी सारस, सी गौरैया, डी कोयल। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सारस। इसको हम क्रॉच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कहीं क्रॉच मिल जाए तो वो भी आप सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 नवंबर, 8 मार्च, सी 5 जून, डी 25 दिसंबर। तो जो सुशासन दिवस है ये आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेठी का मुख्यालय क्या है? जो हमारा अमेठी जिला है इसका मुख्यालय क्या है? ए जालौन, बी उरई, सी गौरीगंज, डी मंजनपुर। तो जो अमेठी का मुख्यालय है वो हमारा है गौरीगंज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्गा से गंगा तक के लेखक कौन थे? ए राहुल संकृत्यायन, बी प्रेमचंद, सी भारतेंदु हरिश्चंद, डी मैथिली शरणगुप्त। तो जो वोल्गा से गंगा तक की एक यात्रा वृतांत है जिसके लेखक प्रख्यात यात्रा वृत्त लेखक राहुल संकृत्यायन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है?
ए सीतापुर, बी प्रयागराज, सी हरदोई, डी कुशीनगर। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सीतापुर। सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति जनसंख्या वो आपका सीतापुर में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, कौन सा है? ए आजमगढ़, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर, डी सोनभद्र। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सोनभद्र। सोनभद्र जिले में ही सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है ए पूर्वी यमुना नहर, बी शारदा नहर, सी गंगा नहर, डी उत्तरी यमुना नहर। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शारदा नहर, जो कि यूपी की सबसे बड़ी नहर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ए बांदा, बी झांसी, सी ललितपुर, डी अमेठी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ललितपुर। उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम है वो आपका ललितपुर में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? ए मुरादाबाद, बी देवरिया, सी गोरखपुर, डी मेरठ। तो भारत में जो प्रथम चीनी मिल थी वो आपका देवरिया के प्रतापपुर में स्टार्ट की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एलयू से अभिप्राय है। ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, सी अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो एलयू का फुल फॉर्म होता है वो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी पृथ्वी। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है वो आपका शुक्र है, ठीक है। पूछता है सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? ए 6, बी 7, डी 9, सी 9, डी 12। तो शनि ग्रह के चारों ओर जो पाए जाने वलयों की संख्या है वो कितनी है? 7 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ए पृथ्वी का चंद्रमा पर, बी पृथ्वी का सूर्य पर, सी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, डी चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कि पृथ्वी पर जो सूर्य और चंद्रमा दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण आता है उसी के चलते ज्वारभाटा आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किम्बरले विख्यात है, किम्बरले की खान क्यों विख्यात है? ए स्वर्ण खनन के लिए, बी हीरा खनन के लिए, सी अभ्रक खनन के लिए, डी टिन खनन के लिए, टिन खनन हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो किम्बरले की खान थी वो आपका हीरा खनन के लिए बहुत ही फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है ए उदयपुर, बी सूरत, सी कानपुर, डी अहमदाबाद। तो जो भारत के डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है वो आपका सूरत शहर को जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? ए अनुच्छेद 260, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 352। तो इसका सही आंसर हमारा जाएगा अनुच्छेद 352, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। जो अनुच्छेद 356 होता है वो राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और जो अनुच्छेद 360 होता है वो वित्तीय आपातकाल की बात करता है। बट हमारा सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी स्पीकर। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ग्रहण की गई है? ए अमेरिकी संविधान से, बी रूसी संविधान, सी ब्रिटिश संविधान, डी ऑस्ट्रेलिया संविधान। तो ये समवर्ती सूची ग्रहण की गई है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, बी 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 24, डी अनुच्छेद 25 से 28। तो इसमें जो अनुच्छेद
ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 से 24, यही हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करता है, ठीक है। जो 14 से 18 समता के बारे में बात करता है, ठीक है, और जो 19 से 22 है ये स्वतंत्रता के बारे में, और जो 25 से 28 है ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा है क्या है, ए स्थायी सदन, बी अस्थायी सदन, सी वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, डी वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए स्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है, ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो जो भारत में सर्वाधिक दाल का जो उत्पादन है वो आपका मध्य प्रदेश में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, ए केरल से, बी महाराष्ट्र से, सी हरियाणा से, डी आंध्र प्रदेश से। तो जो मिल निर्मित कपड़े का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपका महाराष्ट्र से होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र है, ए पंजाब में, बी हरियाणा में, सी गुजरात में, डी राजस्थान में। तो जो राज्य के टोटल एरिया के अकॉर्डिंग जो सबसे मिनिमम आपका वन क्षेत्र है वो आपका हरियाणा में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी, ए उच्च उपज वाली किस्म, बी निम्न पोषण वाली किस्म, सी उच्च पोषण वाली किस्म, डी निम्न पोषण वाली किस्म। जिसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उच्च उपज वाली किस्म ने ही उसमें मेन भूमिका निभाई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। तो जो नियोजित विकास का सिद्धांत था इसका जो विरोध आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है क्या है, ए केल्विन, बी डिग्री सेल्सियस, सी डिग्री सेंटीग्रेड, डी डिग्री फारेनहाइट। तो एसआई सिस्टम में जो तापमान की इकाई है वो आपकी क्या होती है, केल्विन, इसका सिंबल क्या होता है हमारा, के होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक लौह धातु का अयस्क है, ए हेमेटाइट, बी क्रोमाइट, सी मैलाकाइट, डी बॉक्साइट। तो इसमें जो हिमेटाइट है यही आपका लौह धातु का अयस्क है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है जिसको नाइट्रोजन भी कहते हैं, ए क्लोराइड, बी ऑक्साइड, सी नाइट्रेट, डी नाइट्रिक एसिड। जो पौधे होते हैं वो आपका नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है, ए संघनन, बी केशिका क्रिया, सी अवशोषण का सिद्धांत, डी चूसर सिद्धांत। तो जो जल का अवशोषण किया जाता है वो आपका केशिका क्रिया, जिसको हम कैपिलरी क्रिया कहते हैं, उसी के थ्रू किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ पे हुई है, ए पहाड़ों पर, बी भूमि पर, सी जल में, डी वायु में। तो जो जीवन की उत्पत्ति है माना जाता है वो कहाँ हुई है, आपके जल में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है, मैं क्या बताना, गणेश का पर्यायवाची नहीं है, ए विनायक, सी धनक, बी धनत, सी एकदंत, डी लंबोदर। तो जो ऑप्शन बी हमारा धनत, ये कुबेर का पर्यायवाची होता है, बाकी तीनों क्या है, ये आपके गणेश के पर्यायवाची हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ए पुरातत्ववेत्ता, बी भूगर्भवेत्ता, सी रेतत्व शास्त्री, डी भूकंपवेत्ता। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भूगर्भवेत्ता, भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले क्या बोलते हैं, भूगर्भवेत्ता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ए पिया, बी प्रिय, सी मोर, डी पचास। तो इसमें जो प्रिय है ये हमारा तत्सम है, बाकी सारे तद्भव है, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमिष का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए सामिष, ऑप्शन बी निरामिष, ऑप्शन सी
मांसाहारी, ऑप्शन डी शाकाहारी। तो आमिष का क्या होता है आपका? निरामिष होता है। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, भारत अभी ब्रिटेन के अधीन था, ठीक है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन नहीं होता, क्या होता है? अधीन होता है, क्या होता है? अधीन होता है, अधीन नहीं होता, तुम्हारा गलत हो गया। बी देख लेते हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराध, तो जब निरपराध कोई व्यक्ति ही तो होगा, तो यहाँ व्यक्ति नहीं आना चाहिए, भी गलत हो गया हमारा, ठीक है, और निरपराध होता है, ठीक है। आइए सी देख लेते हैं, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। बादशाह ने मुक्त हस्त से अगर होता, ठीक है, तो सही होता, ये भी गलत हो गया। डी देख लेते हैं, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं,